तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों कहानियां तो बहुत हैं जो कि शायद ही कभी खत्म होंगी। इसकी वजह यह है कि जब तक इंसान जीता है तब तक वो अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सी चीजों का सामना करता है। वो हर प्रकार की चीजों को देखता व सुनता है, जिसमें वो किसी बात पर तो यकीन करता है तो किसी पर नहीं। तो ठीक इसी तरह हमारी आज की कहानियों में भी आपको कुछ यही जानने को मिलेगा, जिस पर यकीन कर पाना सबके लिए मुश्किल होगा। पर मेरा काम सिर्फ कहानियां सुनाना है, वो किस्से जो कहीं दब चुके हैं उन्हें आपके सामने लाना है। तो दोस्तों ठीक इसी तरह अगर आप भी कहानियों का शौक रखते हैं, साथ ही कहानियां सुनना पसंद भी करते हैं, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर दें। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ, तो आप मुझे कहानियाँ सुनने के बाद इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर, मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां लेकर आया हूं जिसे सुन आप चौंक तो जाएंगे ही, पर साथ ही साथ उन बातों को भी समझ जाएंगे जो आप शायद नहीं जानते होंगे। दोस्तों जैसा कि आप और मैं सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जो अपने आप में कई तरह के राज छुपाए हुए हैं। यहाँ का पानी और पेड़ पौधे आपस में जैसे मानो कुछ बातें कर रहे हों, परंतु जो चीज़ें दिन के उजाले में जितनी सुंदर होती है वो ठीक रात के अंधेरे में उतनी ही खतरनाक मानी जाती है। और तो और वहाँ ये भी देखा जाता है कि पहाड़ जैसे इलाकों पर रात का अंधेरा होने से पहले ही लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को वहाँ जंगली जानवरों के साथ साथ कुछ ऐसी प्रेत आत्माओं और साये का डर होता है जो अगर सामने आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। ये कहानी उत्तराखंड में रहने वाले अजय की है। यह हादसा अजय और उसके एक दोस्त के साथ हुआ था। उन दिनों अजय के गांव में शादी थी। उस रात अजय और उसका एक दोस्त शादी के एक रात पहले पानी लगाने के लिए घर से थोड़ी दूर टंकी के पास गए थे। वो अक्सर वहां जाते रहते थे, लेकिन उस रात तो कुछ गजब ही हो गया था। गांव में लाइट ना होने के कारण बहुत अंधेरा था। अजय का दोस्त इस बार उसके साथ जाने के लिए डर रहा था। अजय ने जैसे तैसे उसे मनाकर अपने साथ चलने को तैयार कर दिया। अजय का दोस्त थोड़ा शरारती भी था, वो बात बात पर मजाक किया करता था। अजय को भी उस समय डर लगने लगा था, क्योंकि उसका दोस्त जानबूझकर भूत प्रेत की बातें कर रहा था। बातें करते करते अचानक अजय के कानों में अपने आसपास ही किसी और की भी चलने की आवाज़ आने लगी। ये सुन वो घबरा गया। फिर उसे लगा कि शायद उसका दोस्त ही कुछ मजाक कर रहा है। ऐसा करते करते वो टंकी पर पहुंचकर पानी लगाने लगे। वो पानी लगा ही रहे थे कि तभी एक आवाज़ उन दोनों ने सुनी जो कि बेहद डरावनी थी। वो किसी की चीख की आवाज़ थी जो बार बार आ रही थी। अजय और उसका दोस्त उस आवाज़ को सुनने के बाद कुछ देर तक शांत हो गए, पर जब अजय के दोस्त की नज़र पानी की टंकी से थोड़ी दूरी पर पड़ी तो उसने जो देखा वह हैरान हो गया। वहाँ पर दो आदमी बैठे थे जो कि बीड़ी पी रहे थे, पर हैरान करने वाली बात तो ये थी क्योंकि उनका सर नहीं दिख रहा था। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगा। जब अजय ने देखा कि वह भाग रहा है तो वो भी समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, और वो भी उसके पीछे भागने लगा। अजय ने जब पीछे पलट कर देखा तो वो दो आदमी उनके पीछे भाग रहे थे। वो समझ गया था कि ये जरूर कोई छलावा है। वो दोनों पूरी ताकत से भागने लगे और जैसे तैसे अपने घर पहुंचे। वो दोनों घर तो पहुंच गए, पर वो अभी भी बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। वो शुक्र मना रहे थे कि वो दोनों ठीक थे, सही सलामत थे। दोस्तों इसके बाद से तो उनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका ये मानना है कि उस रात का वो डर उनके अंदर आज तक है। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों वो कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान के साथ ऐसी घटना हो जाती है जो आज से पहले ना तो उसके साथ हुई होती है और ना ही उसने कभी सुनी होती है। लेकिन जब ऐसा किसी के साथ होता है तो सचमुच वो बहुत भयानक होता है। ठीक इसी तरह गाजियाबाद में रहने वाले आकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब वो पंजाब में एक सीमेंट प्लांट में जॉब करता था,
असल में वो एक लैब था जहां पर वो किसी ना किसी प्रकार की चीजों पर काम किया करते थे। आकाश अक्सर ज्यादातर वहां पर अकेला ही रहता था, तो ठीक उस दिन भी आकाश लैब में अकेला ही था। काम करते करते आकाश की आंख लग गई। तकरीबन दोपहर के 2 बजे की बात थी। आकाश को ऐसा लगने लगा जैसे उसके ऊपर कोई भारी चीज बैठी हो। उसे लगा शायद उसका वहम है, पर जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक काला साया था जो उसकी छाती पर बैठा हुआ था। उसे देखकर आकाश जोर से चिल्लाने लगा। उस समय वह लैब में अकेला था। वो बेहद डर गया था। वो अपनी आंखें बंद करके भगवान को याद करने लगा और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। वो जल्दी से उठकर वहां से भागकर बाहर आ गया। उसने जब ये बात सबको बताई तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, पर आकाश जानता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत से बचा है, इसीलिए उसने वहां से जॉब ही छोड़ दी। और ठीक इसके बाद वो वापस गाजियाबाद आ गया और अब वो गाजियाबाद में ही जॉब कर रहा है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, कहते हैं कि यदि किसी इंसान या किसी प्रेत आत्मा को किसी से लगाव होता है तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ता और इसी कोशिश में रहता है कि वो जहां भी रहे उसके साथ रहे। ऐसा हादसा आज से 6 साल पहले गुजरात के सूरत में रहने वाले नीलेश राज के परिवार के साथ हुआ था, जब वो सब के सब हर साल की तरह उस साल भी अपने मामा के गांव जा रहे थे। लेकिन उनके जाने से पहले ही खबर आई कि नीलेश के छोटे मामा ने खुद को फांसी लगा ली है। ये खबर सुनकर हलचल मच गई। वो लोग तुरंत गांव के लिए रवाना हुए। नीलेश के मामा की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु का दुख सबको था, लेकिन इस बात का कारण क्या था वो किसी को नहीं पता था। पर जिस दिन से नीलेश के मामा की मृत्यु हुई थी उस दिन से ही नीलेश के बड़े मामा की बेटे की तबीयत खराब होने लगी थी। नीलेश की माँ उस बच्चे को देखकर समझ गई थी कि ये कुछ और ही चक्कर है। उन्होंने उसी समय एक जाना माना पुजारी घर पर बुलाया तो पुजारी ने उस बच्चे को देखने के बाद जो कहा उसे सुनकर सबके सब चौंक गए। उन्होंने बताया कि उस बच्चे को उसके चाचा बेहद प्यार करते थे। जब से उनकी मृत्यु हुई है वो इस बच्चे के साथ साया बनकर रह रहे हैं, और ऐसे किसी आत्मा का किसी बच्चे के साथ रहना ठीक नहीं। दोस्तों, इसके बाद उन पुजारी ने कुछ मंत्र पढ़कर उस बच्चे को एक टीका लगाया, जिसके बाद से वो बच्चा ठीक हुआ। दोस्तों, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन उस बात को सुनकर जो कि बाबा ने बताई थी सबके सब हैरान थे। उस बच्चे का चाचा यानी नीलेश के मामा उससे बेहद प्यार करते थे और मृत्यु हो जाने के बाद उस बच्चे का ख्याल कौन रखता, इसीलिए वो उसके साथ थे। लेकिन दोस्तों, सच कहूं तो किसी मृत शरीर का किसी इंसान के साथ रहना ठीक नहीं, इसीलिए उन पंडित ने भी उनकी आत्मा को उस बच्चे से अलग कर दिया। दोस्तों, उस हादसे को अब काफी समय बीत गया है। वो बच्चा भी अब काफी बड़ा हो गया है। उसके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। यकीन माने तो उस दिन के बाद से कभी वहां पर ऐसा फिर कुछ नहीं हुआ। आइए दोस्तों, चलते अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर ये सुनने को आता है कि जब किसी इंसान को भूत प्रेत पर यकीन नहीं होता, पर लेकिन अक्सर ये देखा जाता है जब उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो वो अचानक से यकीन करने लगता है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है? क्या इंसान गलती कर बैठता है या फिर उन चीजों को ललकारता है जिसके जरिए वो उसे सच में दिखने लगती है? आइए इसी बारे में जानते हैं, क्योंकि यह कहानी पंजाब की रहने वाली मोनिका की है, जो बचपन से ही एक सपना बनाकर बैठी थी जो कि यह था कि उसे क्रिकेटर बनना था। इसीलिए वो अपने स्कूल की तरफ से खेलने भी लगी थी। वो इतना अच्छा खेलती थी कि देखते ही देखते वो अपनी टीम की कैप्टन बन चुकी थी। कैप्टन बनने के साथ साथ वो कभी भी किसी भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला था। दोस्तों, उन दिनों मोनिका अपने स्कूल की तरफ से बाहर टूर्नामेंट खेलने गई थी। उनका टूर्नामेंट बहुत अच्छा भी रहा था। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वो अगले दिन वापस पंजाब अपने घर लौटने वाले थे, पर उससे पहले वो सब रात को वहीं एक स्कूल पर रुकने वाले थे
जहां पर उनके टीचर्स ने उनके रुकने का प्रबंध कर रखा था। दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा था, पर टीचर्स की एक बात कहीं ना कहीं मोनिका को कुछ अजीब लगी। उन्होंने सबको सोने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि कोई भी सेकेंड फ्लोर पर नहीं जाएगा। और ठीक यही बात मोनिका को पसंद नहीं आई, क्योंकि टीचर्स ने इस बात की वजह नहीं बताई और वो जानना चाहती थी आखिरकार उस फ्लोर पर ऐसा क्या था जो सबको वहां जाने के लिए मना कर रहे थे। उसने वहां जाने के लिए अपने साथ दो दोस्तों को भी तैयार कर लिया था। सब काफी थक गए थे इसलिए सबको जल्दी नींद भी आ रही थी, लेकिन मोनिका और उसके दोस्त रात को उठकर सेकंड फ्लोर पर चले गए। वो सब जाकर एक कमरे के पास रुक गए जहां पर ताला लगा था और कुछ धागे से ताले को बांध रखा था। मोनिका के दोस्त उसे मना करने लगे, पर मोनिका ने वह ताला तोड़कर दरवाजा खोल दिया। वो एक म्यूजिक रूम था जो काफी अरसे से बंद करा हुआ था और उसके अंदर हर जगह बस धूल ही धूल थी। वहीं धूल के बीच में पड़ा उन्हें एक बॉक्स दिखा। मोनिका ने उसे खोला तो उसमें एक घुंघरू और साड़ी थी जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ की म्यूजिक टीचर की हो। इसके बाद वो लोग वो सारी चीजें छोड़कर वापस अपने कमरे में जाकर सो गए और अगली सुबह वो वापस लौट गए। इसके बाद दोस्तों कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, पर फिर अचानक मोनिका की तबीयत खराब होने लगी। उसके साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसे कोई बुला रहा हो। मोनिका की ऐसी हालत देखकर उसकी फैमिली उसको मस्जिद में ले गए जहां पर हाफिज ने सारी बात उन्हें बताई। उसके बाद उन्होंने एक ताबीज मोनिका के हाथ पर बांध दिया। यकीन कीजिए उन दिनों मोनिका बेहद परेशान थी। उसकी हरकतें इतनी बढ़ चुकी थी कि वो खुद भी नहीं जानती थी। इस बीच उसने क्या क्या किया ये तो उसे भी नहीं मालूम, लेकिन उस ताबीज के बांधने के बाद अब मोनिका ठीक है। दोस्तों उस हादसे के बाद से मोनिका इन सारी बातों पर यकीन भी करने लगी है और उसने आज तक वो ताबीज भी अपने हाथ से नहीं निकाला। पर इसके बाद मोनिका के घर में कुछ अजीब हुआ जब उन्होंने एक खाली प्लॉट को लेकर उसमें घर बनवाया। दोस्तों वैसे तो आप जानते ही है ना कि कोई भी जगह लेने से पहले उसे अच्छे से जांच कर लें या फिर वहां पर पूजा पाठ जरूर करवा लें, लेकिन उस वक्त सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ और जब सब उस घर में शिफ्ट हुए तो मोनिका के माता पिता अपने किसी रिश्तेदार के घर गए थे। उस दिन मोनिका और उसका भाई घर पर अकेले थे। इस बात को सोचकर मोनिका ने अपने कजन सिस्टर को घर बुला लिया। उसकी बहन भी काफ़ी समय बाद उससे मिली जिसकी वजह से वो बेहद खुश थी। लेकिन दोस्तों यकीन करें उस रात कुछ अजीब ही हुआ जब वो सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। मोनिका और उसकी बहन एक कमरे में सो रहे थे और परवीन अपने कमरे में सो रहा था कि रात को अचानक परवीन की आँख खुली। उसने समय देखा तो रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बहनें आपस में बात कर रही हैं। वो आवाज़ उसके कमरे से ही आ रही थी। वो उन दोनों को सोने को कहने के लिए जब उनके कमरे में गया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो दोनों वहाँ बातें नहीं कर रहे थे। वो तो चुपचाप अपने कमरे में सो रहे थे और साथ ही परवीन के वहाँ पहुँचते ही वो आवाज़ भी आनी बंद हो चुकी थी। परवीन थोड़ा खड़ा होकर सोचने लगा और जैसे ही वापस अपने कमरे की तरफ गया तो वो आवाज़ फिर से आने लगी, लेकिन इस बार परवीन डर गया था। वो भागकर अपने कमरे में चला गया और अपनी चादर को पूरा सिर तक ढककर सोने लगा, लेकिन वो आवाज़ लगातार आ रही थी। जब सुबह हुई तो उसने ये बात मोनिका को भी बताई और मोनिका परवीन की बात सुनकर एकदम घबरा गई। इसके बाद ठीक माता पिता के वापस लौटने पर परवीन और मोनिका ने उन्हें ये सारी बात बताई। उन्होंने बिना वक्त गवाए घर पर पूजा करवाई। दोस्तों यकीन मानिए इसके बाद से फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों परवीन के वो रात की बात पता चलने पर मोनिका की कजन सिस्टर भी बेहद डर गई थी, लेकिन अब पूजा पाठ करवाने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कब किस समय किसके साथ क्या हो जाए ये किसी को कोई मालूम नहीं होता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी होंगी तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप हैं तो ही मैं हूँ। मैं मिलता हूँ आपको जल्द ही अगली कहानियों में। तब तक के लिए बाय बाय।